ओके दोस्तों, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू वेस्टेज वेब सेमिनार। बाहर सब कुछ बंद है लेकिन वेस्टेज की लर्निंग चालू है, और यही है वेस्टेज के सबसे बड़ी खासियत कि प्रॉब्लम कुछ भी हो जाए, चुनौती कितने भी बड़ी आए, हमें कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, हमें कोई रोक नहीं सकता सीखने से। और दोस्तों, उसी का एक छोटा सा प्रयास हमने किया है, और जिसके तहत हर रोज हम लोग आपके लिए कुछ अनोखे अनोखे प्रोग्राम्स करते हुए रहते हैं, ताकि घर बैठे इस टाइम के दौरान आप अपने आप को सिखा पाओ, अपने नॉलेज को बढ़ा पाओ, अपने आप को आगे बढ़ा पाओ। और दोस्तों, हर रोज पूरी टीम ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हर रोज हम लोग चार ऐसे अनोखे प्रोग्राम आपके लिए करते हैं। सुबह 10:30 का वक्त होता है वेस्टेज के CNT के लिए, नए लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, ताकि आप अपनी टीम को बढ़ा पाओ वेस्टेज की मदद से। एवरीडे 10:30 बजे हमारे जितने भी सेल्स मैनेजर हैं वो हर रोज एक एक करके CNTs आपके लिए करते हैं। दोपहर का 12 बजे का वक्त होता है आपके लिए कुछ अनोखे से अनोखे प्रोग्राम को लाने का, और दोपहर का 2 बजे का वक्त होता है आपका हेल्थ केयर प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज का, और शाम का 5 बजे का वक्त होता है आपको सिस्टम और साथ ही साथ लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग देने का, एडुकेट करने का। दोस्तों, आज का जो दोपहर का 12 बजे का जो वक्त है, इस टाइम पे हम लोग एक ऐसे अनोखे प्रोग्राम आपके लिए प्रेजेंट करने जा रहे हैं जो सच में एक अनोखा है। क्योंकि दोस्त, आज हम ऐसे एक शख्सियत को पाए हैं हमारे बीच में जो दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है, दिल्ली से हमारे साथ सर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और आज सर हमें बताएंगे कि एक इंसान का लीडरशिप क्वालिटी कितना अच्छा अगर हो तो वो अपनी टीम को किस तरह से किसी भी मुश्किल के घड़ी से निकाल के रह सकता है, उसके अंदर ग्रोथ ला सकता है, उसके अंदर तरक्की ला सकता है। यानी कि दोस्त, आज हम बात कर रहे हैं वेस्टेज के मिस्टर अलोक टंडन जी के बारे में। आज अलोक सर हमारे साथ हैं जो वेस्टेज के अंदर सेल्स हेड हैं, पूरी हिंदुस्तान के जितने भी हमारे सेल्स हैं वो पूरी की पूरी सेल्स एंड ट्रेनिंग को वो देखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, हम सभी लोगों को दिशा दिखाते हैं, हमें आइडिया शेयर करते हैं, हमें राह दिखाते हैं, हमें स्ट्रेटजी बनाने में मदद करते हैं कि किस तरह से अपने बिजनेस के टारगेट्स को अचीव किया जाए, अपने बिजनेस के टारगेट्स को पूरा किया जाए, अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, खुद को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि आज हम उनकी बातें सुनेंगे। सारे लोगों से मेरा गुजारिश है, आप लोग अपने डायरीज पेन लेके तैयार हो जाओ। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी वो लोग पेन एंड डायरी के साथ रेडी हो गए हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम में जो भी चीज बताया जाएगा उनको अगर आप डेली नोट करते हो, सीखते हो, तो आप अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे। दूसरा जो सबसे बड़ी खुशी की बात है दोस्त, मैं वो भी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर धीरे धीरे हम अपने ऑफिसेस को विद लीगल परमिशन, लोकल अथॉरिटी के परमिशन के द्वारा धीरे धीरे उनको ओपन कर रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पे धीरे धीरे हम लोग ऑलरेडी मेटेरियल्स को सेंड कर रहे हैं। इस तरह से जो बिजनेस है उसको स्मूथ करने की कोशिश किया जा रहा है दोस्त, और उम्मीद करते हैं कि ये संकट की घड़ी जल्दी ही काटेगी, और जो भी आपका प्रोसेस है वो पहले की तरह बेहतर हो जाएगा, और भी आसान तरीके से आप अपने बिजनेस को कर पाओगे। लेकिन आज का अभी का जो वक्त है कुछ सीखने का, कुछ आगे बढ़ने का। तो चलिए दोस्तों, और हम लोग वक्त जाना करते हुए हम लोग चलते हैं सर के पास और सीखते हैं आज सर से कि किस तरह से संकट के घड़ी में अपने टीम को आगे बढ़ाया जाए, अपने आप को आगे बढ़ाया जाए। और जोरदार तालियों से मैं स्वागत करना चाहूंगा वेस्टेज की जनरल मैनेजर सेल्स मिस्टर अलोक टंडन जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्त अलोक सर के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सो गुड टू सी यू ऑल। आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू शंकर जी, थैंक यू इतना सारा बोलने के लिए मेरे बारे में। थैंक यू सर। सर, जनरल मैनेजर हूँ, हम वही बताते हैं आपके बारे में। इतना जो कुछ हो रहा है वेस्टेज में, सब हमारे साथ जो जुड़े हुए लीडर्स हैं इनकी वजह से हो रहा है। तो थैंक यू एवरीवन। इस सिचुएशन में अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, थैंक यू एवरीवन की इतनी एनर्जी अपने आप मेंटेन करने के लिए, इतनी एनर्जेटिक तरीके से अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोगों को मैं साथ में देख रहा हूँ यहाँ पर, काफी नोन चेहरे, काफी पहचान वाले चेहरे मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत 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 अच्छा लगता है जब आप देखते हैं कि लीडरशिप आपके साथ जुड़ी हुई है, बात कर रहे हैं। दैट्स वेरी इनकरेजिंग, वेरी वेरी इनकरेजिंग। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन, एंड यू कैन ऑलवेज रेज योर थम्स अप व्हेन आई से गुड मॉर्निंग। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई कैन ऑलवेज सी इट ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर देख सकता हूँ। यस, वंडरफुल वंडरफुल।
शंखजीत ने जो बात करी लीडरशिप की बात करने के लिए, यहाँ पर बात हो रही थी एक अच्छे लीडर की क्या खूबी होती है, क्या निशानियां होती हैं। मैं क्या बताऊँ, आप सारे लोग मेजोरिटी थे, उसमें से मुझे लीडर वैसे दिखाई दे रहे। आप किसी भी एक अच्छे लीडर को देख लो, उसके बारे में जानने की कोशिश कर लो, उसे पहचान लो, आपको अपने आप खूबियां नजर आ जाएंगी। आपको वैसे देखना पड़ेगा, लेकिन आपका नजरिया वैसा होना पड़ेगा कि आप लोगों को उस तरीके से पहचान सके। मैंने जो पहला बात उठाई है यहाँ पर, जो अगला जो भी समय मेरे पास होगा, मैं 40-45 मिनट 50 मिनट कोशिश करूंगा, 1 घंटे से ज्यादा आपको उलझा के नहीं रखूं। जो मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा था वो बात ये थी कि हम क्या सोचते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है कि हम कैसे सोचते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारा नजरिया क्या है चीजों को देखने का। क्योंकि मैं अपनी अक्सर ट्रेनिंग्स में बात करता हूँ कि नजर या नजरिया दो चीजें हमारे पास होती हैं ना, दोनों में से हमें डिसाइड करना होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, नजर ज्यादा जरूरी है या नजरिया। और ये बात जिस दिन हमें समझ में आ जाती है तब बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वेस्टिजियन, वैसे जिंदगी में नजर की बहुत जरूरत होती है, बहुत कुछ हमें देखना होता है, लेकिन एज ए वेस्टिजियन हमारे लिए नजर से ज्यादा नजरिया होता है। ये बात मुझे समझनी बहुत जरूरी है कि नजर से ज्यादा हमारे लिए नजरिया होता है। जब नजर की बात करते हैं, नजर से तो हम वो चीज देखते हैं जो हमें फिजिकली सामने दिखाई दे रही होती है, वो हमें जिंदगी में चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, सब जगह को पहचानने के लिए, हर चीज के लिए जरूरी होती है, जिंदगी को आसान करने के लिए जरूरी होती है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ नजरिया की, ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उस नजरिया जो आपका होता है वो आपको जिंदगी में कुछ एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है, और उसके जरिए आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर मैं इस चीज को दूसरे तरीके से देखूँ कि एक वेस्टिजियन के लिए नजरिया क्यों जरूरी है, क्योंकि वेस्टिज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नजर से देख नहीं पाते, लेकिन आज वो सक्सेसफुल है। और वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उनका नजरिया बहुत अच्छा था जिंदगी को देखने का, नजर नहीं थी उनके पास, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे तरीके से वो इस जिंदगी को देख सकते थे, इसलिए वो आगे बढ़ गए और उन्होंने इस काम को आगे कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं आप लोगों से भी डिस्कस करूंगा। मैं शंखजीत से बात कर रहा था, मैंने कहा शंखजीत मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ, तो एक फरमाइश आती है, नहीं सर थोड़ा कुछ प्रेजेंटेशन भी दिखा देना। तो अगर आप लोग प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करूंगा यहाँ से, और स्क्रीन शेयर करने के साथ में एक चीज और कोशिश करूंगा यहाँ पर कि आई बिलीव होस्ट जो है सिर्फ वही अगर कर सकते हैं तो मैं देख पाऊंगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। आई बिलीव आई विल बी एबल टू शेयर इट। और अगर आपको yes, sir. स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही है? Yes, sir, it's visible. चलो that's encouraging. चलिए तो यहाँ से हम अपनी बातें शुरू करेंगे। That's great. So when screen is visible, आप इसमें क्या देख पा रहे हैं? आप इसमें देख पा रहे हैं एक पिक्चर दिख रही है ना पिक्चर, और जो ये पिक्चर एक दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बहुत लोगों को इसमें मैं जब बात करता हूँ तो इसमें दिखाई देता है कि क्लाउड्स दिख रहे हैं, बादल दिख रहे हैं, ऊपर एक इंसान दिखाई दे रहा है जो हवा में मे बी शायद पैराशूट से लटका हुआ है, और सूरज दिखाई दे रहा है बादलों के ऊपर, किरणें दिखाई दे रही हैं। इस पिक्चर में नीचे की तरफ बना हुआ रेनबो दिखाई दे रहा है, वो रेनबो के साथ और क्या दिख रहा है? जब मैं ये पूछता हूँ ना तो लोग कहते हैं वो एक लटका हुआ आदमी दिख रहा है, अगर गौर से देखेंगे तो वो एक नहीं वो दो है। और जब मैं लोगों से पूछता हूं कि ये पिक्चर आपको क्या कह बता रही है, तो फिर बहुत सारी फिलोसफीज आ जाती हैं। गलत कुछ भी नहीं होता, बहुत सारी फिलोसफीज आ जाती हैं। कोई इसमें बोल रहा होता है, कोई बोलते हैं आप में से ये लोग के बादलों के ऊपर खुला आसमान है, तो बादलों को अगर जिंदगी में चैलेंजेस के तरीके से ले लो तो हमें अगर जहां दूसरे जहां में और ऊपर उड़ना है जिंदगी में आगे जाना है तो हमें बादलों के ऊपर प्रॉब्लम्स के ऊपर उड़ करके जाना पड़ेगा। कोई कहता है कि जो इसके पास हिम्मत होती है वही ऊपर उड़ सकता है। कोई कहता है कि सूरज तक जाने की आदमी के अंदर इच्छा होनी चाहिए और पावर है, वो इस चीज को लेकर के कर रहा है। तो एब्सोल्युटली ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। दिस इज हाउ नजर से सब लोगों ने एक सी चीजें देखी थी। नजर जब दिख रही थी, देख रही थी,
तो सबने पांच छह चीजें इसमें देखी थी, सूरज, सूरज की किरणें, बादल, खुला आसमान, ऊपर से नीले नीले रंग का आसमान, और इसमें ये रेनबो, और यहाँ पर किसी डोरी से लटका हुआ एक या दो आदमी, व्हाटएवर, ये सबको दिखाई दे रहा था। लेकिन जब इंटरप्रिटेशन की बात आई तो हर कोई इसको अपने में अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे, राइट। जब हर तरीके से इंटरप्रेट अलग तरीके से कर रहे थे, मतलब वो इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, अपनी सोच से, अपने नजरिए से होता है। तो चीजें दिखती तो सबको एक सी है, लेकिन उसको देखते जो समझते हैं, उसका जो परसेप्शन बनाते हैं, वो अपनी सोच के हिसाब से बनाते हैं। ये बात अगर मेरे को समझ में आती है तो बहुत अच्छा रहता है। और ये डिपेंड करता है एटीट्यूड पर कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। जैसी मेरी सोच होती है, जैसा मेरा एटीट्यूड होता है, हमारी जिंदगी में हर मुकाम पे, हर कदम पे मेरी हर चीज को इम्पैक्ट करता है। इट इम्पैक्ट्स एवरीथिंग इन आवर लाइफ। दैट्स द रीजन ये बात कहावत कही है कि लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू। जिंदगी में सिर्फ 10% ऐसा होता है जो आपके साथ अपने आप हो जाता है, इट इज 90% हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। और आज की तारीख में इससे बड़ा उदाहरण आपके पास नहीं है। ये लॉकडाउन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं था, इस कोरोना वायरस पे आपका, COVID-19 पे आपका कोई कंट्रोल नहीं था। ये तो होना था, हो गया, लॉकडाउन गवर्नमेंट को करना था, कर दिया, बट 90% हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। आप वेस्टिजियन हो, और मजे की बात यह कि जो चीज समझनी है कि इस सिचुएशन में आपने रिस्पॉन्ड कैसे किया। आप वो लोग हो जिसने रिस्पॉन्ड किया, इसको स्ट्रांगली लिया, और स्ट्रांगली लेकर के बोले कि ये सबसे अच्छा टाइम मुझे मिला है मेरी जिंदगी में, जब मैं इतने सालों में कभी भी एक महीने तक बंद घर में नहीं रहा। आज मैं घर पे हूं तो जो काम पिछले सालों से नहीं कर पा रहा था वो मैं कर सकता हूँ। मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, मैं कर सकता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे मैं कनेक्टेड नहीं था, मैं उनसे कनेक्ट हो सकता हूँ। मेरे बहुत सारे लोग जिनके साथ मैं बात नहीं कर पा रहा था, कर लेता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते, और ये चीजें हमें, कुछ ऐसा है जिंदगी में जो मेरी दिल में इच्छा थी कि मैं करूं, मैं सीख लूं, मैं जान लूं, लेकिन मैं नहीं जान पा रहा। आज आपके पास वो मौका है जानने का, और आज आप उसे जान रहे, आज आप उसमें समय लगाएंगे, आपकी नॉलेज एक्सपेंशन हो जाएगा, आप कुछ नया सीख पाएंगे, आप बेहतर इंसान बन पाएंगे, आप नए लेवल पे जा पाएंगे। ये सारी चीज, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट, एंड दैट्स द रीजन कि सारे के सारे वेस्टिजियन जो है ना, बहुत खुश हैं इस समय। दे ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड। क्यों एक्साइटेड है सारे के सारे? क्योंकि वो जो करना चाह रहे थे आज वो कर पा रहे हैं, वो अपनी नॉलेज बढ़ा पा रहे हैं, वो लोगों से मिल पा, अपने जो टीम से कनेक्टेड नहीं हो पा रहे थे ज्यादा एक साथ बहुत सारे लोगों से, आज सब कनेक्टेड है। मैं कई लीडरों से मैं बात कर रहा था, काफी लीडरशिप से मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपकी कनेक्टिविटी कैसी है अब लोगों से? बोले सर पहले इतना ट्रेवल करता था, लेकिन कई बार टीम के पास ना महीने में एक बार ही जा पाता था। कुछ टीम जो बहुत दूर थी वहां पे 2-3 महीने 4 महीने में एक बार। आप जो यहाँ पर लोग बैठे हैं मेरे साथ, उसमें कितने लोग ऐसे होंगे जिनके अप्लायंस बाहर है और वो आपके पास दूसरे शहरों में है, देश के दूसरे किनारे में है, और वो आपसे 2-3 महीने 4 महीने में एक बार उनसे आपकी मुलाकात हो पाती है। लेकिन अब क्या सिचुएशन है? आज आपने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया, आपने अपने आप को सिस्टम से कनेक्ट किया। आज सिचुएशन क्या है कि आप कितने दिनों में कम से कम 4 बार मिल चुके होंगे। ये पावर है इस बिजनेस को समझने की, हम क्या क्या कर सकते हैं। आपका, यू मस्ट हैव योर विजन, गोल एंड प्लान, एंड टर्न एटीट्यूड इनटू एक्शन। अब हमें क्या करना है, जो मेरा एटीट्यूड है उसको एक्शन में लेकर के आना है। अपना एक विजन बोर्ड बनाना है, एक बोर्ड बनाइए, विजन बोर्ड बनाइए, विजन बोर्ड पर काम करिए। गोल्स, प्लान्स, ये होने चाहिए ना। कोई भी गोल या प्लान आपका होगा जो पूरा नहीं होगा जब तक आपके एक्शंस नहीं होंगे। तो फोकस ऑन योर एक्शंस, यू नीड टू फोकस ऑन योर एक्शंस, ये बहुत जरूरी है, राइट। व्हाट मोर, आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? अगर आप विजन नहीं स्ट्रांग बनाएंगे, देन लैक ऑफ विजन में विल मेक यू लूज। तो आप जो जर्नी पाना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे। और आप गोल प्लान बनाएंगे, एक विजन क्रिएट करेंगे और एक्शन प्लान करेंगे, बिना एक्शन के आप कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। तो अनदर पॉइंट कि आपको एक्शन लेना है। आपका जैसा एटीट्यूड होता है वो चीज आपके अंदर से दिखाई देती है। अपने पॉजिटिविटी पर, आप सबके अंदर पॉजिटिविटी बहुत है, बहुत सारी पॉजिटिविटी है आपके अंदर भरी हुई है। आप लोग कहते ना भंडार हो पॉजिटिविटी का, नेटवर्कर, और वो भी वेस्टिजियन, हो ही नहीं सकता कि वो पॉजिटिव ना हो, राइट। तो वो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। तो सारे के सारे लोग पॉजिटिव रहेंगे अगर, तो अब चीजें आगे बढ़ती हैं। तो ये तो आपके अंदर वैसे भी मुझे पता है बढ़ते बहुत ज्यादा है, तो आपको इसका फायदा लेना है।
एंड तभी आप अपने सेटबैक्स को सेटअप्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। जब पॉजिटिव होंगे तो आप सेटबैक्स को सेटअप में कन्वर्ट कर पाएंगे, और ये सेटअप्स इसीलिए जरूरी हो जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं, राइट। ये सेटबैक सेटअप्स में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है? जो सेटबैक लगता है ना हमारे लिए कि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, ये मेरे लिए सेटअप हो जाता है। मेरी टीम से मैं नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन आज आप उससे ज्यादा बार आज टीम से मिल पा रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो कर पा रहे हैं। आपकी टीम बिलिंग नहीं करा पाएगी, एक सेटबैक था कि टीम में लोग बिलिंग नहीं करा पाएंगे, ऑनलाइन बिलिंग नहीं करा पाएंगे, लेकिन आज आपके पास मौका है लोगों को ये बिलिंग सिखा देने का कि सीख लो कैसे बिलिंग होती है ऑनलाइन। तो ऑल दीज थिंग्स ये हमेशा हो सकता है। सेटबैक्स आपके सेटअप्स बराबर बन सकते हैं, सिर्फ आपको डिपेंड करेगा कि आप कैसे इसको लेकर चलेंगे। एंड यू विल हैव टू बी कमिटेड टू चेंज। ये जो बदलाव आ रहा है ना, एक रेवोल्यूशन है, एक बहुत बड़ी क्रांति है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। अभी तक जो हजार लोगों के हॉल बुक कराए जाते थे, बहुत कुछ किया जाता था, आज उसकी जगह हम जिस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी क्रांति है। आज एक साथ इतने लोग एक जगह सुन रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि हजार तो लोग, हजार के इस बॉक्स में हजार लोग तो रेगुलरली कनेक्टेड हैं। उससे भी बड़ी बात है कि एक रूम बाहर वेटिंग रूम में भी इतने सारे लोग हैं। एंड ये आज जब देख पाएंगे ये लोग, तो ये जब यूट्यूब पे चला जाएगा तब उसको देख पाएंगे, तो कितने सारे लोग एक चीज को देख पा रहे हैं। Now, that is the power of networking, और ये चेंज हमें देखना है। ये जो बदलाव हो रहा है ना, इस बदलाव को हमें अपने आप से समझना पड़ेगा, गले लगाना पड़ेगा, एक एटीट्यूड अंदर से निकाल के लाना पड़ेगा, वट एवर इट टेक्स। हम लोग बोलते हैं ना, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी कीमत पे। ऊपर स्लाइड में एक शब्द लिखा है सक्सेस। दोस्तों का सफलता चाहिए, तो जब तक ये वाला नहीं होता कि मैं सफलता चाहता हूँ किसी भी कीमत पे, ये बहुत पुरानी कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि सफलता पाने की कीमत चुकानी होती है। क्या आप उसको चुकाने के लिए तैयार हैं, और वो कीमत क्या है, इस पर डिपेंड करेगा आप कितना सफल। टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए, जल्दबाजी किसी भी चीज में नहीं होती, बदलाव एकदम से नहीं होता, लेकिन अगर हम चाहते हैं तो हम वो बदलाव अपने अंदर जरूर ला सकते हैं। एक दिन में नहीं होगा तो क्या हुआ, दो दिन में होगा, 10 दिन में होगा, 30 दिन में होगा, लॉकडाउन मिला हुआ है, इसमें इतने बदलाव ले आएंगे कि सब कुछ कर लेंगे, उसमें हम काम कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, कीप योर लॉन्ग टर्म गोल इन माइंड, अपने लंबे समय का गोल दिमाग में रख, बिना उससे काम नहीं होगा। मैंने आज अपने इस प्रेजेंटेशन को अलग अलग सेक्शन में बांटा है। जो पहला सेक्शन मैंने यहाँ भी आपसे डिस्कस किया, थोड़ा सा आपके माइंडसेट पर किया कि आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल, तो क्यों लॉन्ग टर्म गोल रखना होता है, क्योंकि वो आपको भटकने से बचाता है। चेंज के लिए तैयार रहिए, कुछ भी कीमत आप चुकानी पड़ेगी, करेंगे किसी भी कीमत पे करेंगे, अगर सफल होना है तो हम होंगे, जो बदलाव है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ये तब सब कुछ पॉसिबल होगा जब आपका लॉन्ग टर्म गोल आपके दिमाग में होगा, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब आगे बात करेंगे कुछ और चीजों पर। नाउ ये करने के लिए, सफल होने के लिए, सोच तो हमें पता चल गई कैसी होनी चाहिए, लेकिन हमारे आसपास लोग भी तो कुछ ऐसे होने चाहिए ना जिनके जरिए मेरी वो सोच बनेगी और हम काम करेंगे। तो यहाँ से शुरू होता है कि काम कैसे करना है और अपने काम को आगे कैसे। आई नीड टू हैंग अराउंड पॉजिटिव पीपल, हमें जो पॉजिटिव लोग हैं हमारे आसपास उनके साथ रहना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है, कि जो मेरे साथ लोग हैं मुझे उनके साथ रहना है, और वो कैसे लोग हैं जिनके साथ मुझे रहना है, वो है पॉजिटिव। वो कौन से लोग हैं, वो है पॉजिटिव पीपल, उन्हीं के साथ हम रह पाएंगे, अदरवाइज हम पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे। मेरे पेरेंट्स, बच्चों की तरह, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो मुझे बच्चों की तरह से ट्रीट करे, ये हर इंसान चाहता है। अब इसके दोनों पहलू हैं, आप ऐसे लोगों के साथ चाहते हैं जो आपको बच्चों की तरीके से ट्रीट करें, यानी कि आपको हमेशा कुछ सिखाएं और आपको सिक्योर फील कराएं। ये सिर्फ आपके लिए लागू नहीं होता, ये आपके डाउनलाइंस के लिए भी लागू होता है, कि आप उनको ये एहसास कराएं, या आप उनको ये एहसास कराएं कि वो सिक्योर हैं आपके साथ। बिल्कुल सही समझा आपने, वो सिक्योर हैं आपके साथ, ऐसा बनना है। ऐसे लोगों के बीच में रहिए जिनके साथ आप सेलिब्रेट कर सकें, ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनके साथ आप अपनी खुशी शेयर कर सकें,
जिनके साथ रह करके आपको खुशी मिलेगी। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको सफल होता जब देखें तो वो भी सफलता से हाथ अपने ऊपर उठा रहे हो। यस, आप उनकी टीम का हिस्सा हो और आप सफल हुए तो उनको खुशी हो रही है। आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो लोग आपको जब नॉलेज देने की बात हो तो एक गुरु बन के, एक बड़ा बन के आपको नॉलेज दे सकते। एक अच्छा लीडर अगर बनना है तो हमें अपने लिए भी ऐसा चाहिए और हमें ऐसा ही माहौल अपनी डाउनलाइन को देना पड़ेगा। और जब मेरी डाउनलाइन इस माहौल के साथ मेरे पास होगी तो डेफिनेटली हम उनके साथ बहुत बेहतर कर पाएंगे। राइट, ये बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, ग्रेट, वंडरफुल। आई होप मेरी बातें क्लियर हो रही हैं आपको। और अगर कहीं पर भी कोई इशू आता है तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा या हैंड रेज करके, या बीच में आप शंख जी, यू कैन ऑलवेज बी देयर एंड यू कैन डू लेट मी नो इफ एनीथिंग इज देयर। राइट, नाउ एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें अपनी ए टीम बनानी है, क्योंकि हर किसी के पास अपनी एक ए टीम होती है, स्ट्रॉन्ग टीम। ए टीम मतलब मेजर टीम, बड़ी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम। एक स्ट्रॉन्ग टीम क्रिएट करनी है। स्ट्रॉन्ग टीम में एक नेटवर्क में वो मत समझिएगा कि एक लेग में बहुत सारे लोग तो आपकी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं। आपके जो छह लोग हैं या आपके जो की लीडर हैं वो कितने मजबूत हैं, किस सोच के। ऐसे लोगों के साथ जब आपको रहना होता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बात समझना कि आप कैसे लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। लाइक माइंडेड पीपल जो आपके जैसी सोच वाले लोग होते हैं उनके साथ आपका काम आगे बढ़ता है। तो यूज योर पार्टनरशिप और उनके साथ अपनी दोस्ती बनाइए, उनके साथ अपनी पार्टनरशिप करिए और आप आगे बढ़ाइए। और अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एक जगह आपको जो बहुत स्ट्रांगली करना पड़ेगा होगा, आपको अपने नेटवर्क को नए नए नेटवर्क बनाने पड़ेंगे। नया नेटवर्क हर बार आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे नया नेटवर्क होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना, किसी के लिए भी, हमारे लिए, आपके लिए, किसी के लिए ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि नया नेटवर्क होता क्या है। हाउ टू बिल्ड अ न्यू नेटवर्क, हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझेंगे कि व्हाट इज न्यू नेटवर्क, व्हाट डज न्यू नेटवर्क मीन टू मी, मेरे लिए क्या मायने रखता है, क्या मीनिंग है उसकी मेरे लिए। ये बात अगर मुझे समझ में आ जाएगी तो मैं इस काम को बहुत आसानी से समझ लूंगा और कर लूंगा। राइट, तो आप लोग भी समझते हैं नए नेटवर्क के बारे में। एक ऐसा नया नेटवर्क जहां पर बहुत सारे लोग मेरे साथ आकर के जुड़ जाते हैं वो मेरे लिए नया नेटवर्क बन जाता है ना? ऐसे ही तो सोचते हैं हम सारे लोग। बिल्कुल, सब लोग ऐसे ही सोचेंगे कि नया नेटवर्क कैसे बनेगा, नया नेटवर्क ऐसे ही बनेगा जब हम इसके बारे में समझेंगे, बात करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कोई और चीज शेयर करूंगा। मैं जो चीज यहाँ पर आपको शेयर करूंगा वो थोड़ी सी अलग होगी, एक अलग सोच के साथ होगी। और उसकी जो अलग सोच होगी वो बताएगी कि एनी न्यू इंडिविजुअल, कोई भी नया व्यक्ति जो आपको डायरेक्टली ज्वाइन करता है और वांट्स टू टेक एट वेस्टीज बिजनेस और वेस्टीज के बिजनेस को आगे ले जाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है और उसके लिए काम करने को तैयार है, वो आपके लिए अपने आप में एक नया नेटवर्क है। आपको बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, वो यूजर बन के ज्वाइन करेंगे, वो यूजर है, लेकिन आपके लिए जो नेटवर्क क्रिएट होगा वो वही व्यक्ति कर पाएगा जो आपके तरीके से बिजनेस को आगे ले जाने के लिए तैयार है। और अगर ये बात आपको क्लियर हो रही है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है जो नया नेटवर्क बनाने के लिए तैयार है। आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं, सवाल आता है नया नेटवर्क बनेगा कैसे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो ये कह रहे होते हैं कि मेरे ज्यादातर जानने वाले ना, मैंने तो प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया, मुझे तो अच्छा लग रहा है। होता होगा आपके साथ भी है, लेकिन मेरे तो सारे जानने वाले यूजर ही बनने को तैयार है, कोई काम करने ही नहीं चाहता, मैं कैसे काम करूं। ये लाइफ में एक्सक्यूजेस। ऑल माई एक्वेंटेंसेस फॉल अंडर कस्टमर कैटेगरी एंड नो वन इज इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग बिजनेस। क्योंकि मैं सुनता हूँ, आप भी सुनते होंगे, आपकी टीम में ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर पोटेंशियल है काम करने का, लेकिन वो शायद अभी आकर के आपको यही बोल रहे हैं कि मैं जितने भी जानने वालों से बात करता हूँ हर मेरा जानने वाला यही बात कह देता है कि मैं यूजर बन करके खुश हूँ, मैं काम नहीं करूँगा या नेटवर्किंग नहीं कर पाऊंगा, बिजनेस नहीं बड़ा कर पाऊंगा। होता है, करते हैं लोग ऐसे, बहुत सारे लोग बोलते हैं, नो इश्यूज, ये चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन इस बात से कोई परेशान होने की चीज़ थोड़ी है, उसमें तो कभी कोई दिक्कत भी नहीं करनी।
आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी बातें करेंगे, करने दीजिए। Why will anyone take interest in my business? समझना ये है कि लोग मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट क्यों लेंगे। मैं तो काम करने को तैयार हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये कि क्या लोग मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे। अगर मुझे ये समझ में आ गया कि लोग इस काम में इंटरेस्ट क्यों लेंगे, तो मैं उनके साथ काम कर पाऊंगा। और ये बात सीधी सीधी डिपेंड करती है इस बात पे दैट मेरा इम्प्रेशन उनके ऊपर कैसा पड़ा है और मैं उनको अपनी सर्विसेज कैसे दे पाया हूँ। दिस विल एंटायरली डिपेंड अपॉन आवर इम्प्रेशन ऑन देम एंड हाउ गुड आर आवर सर्विसेज टू देम। हमारी जो सर्विसेज हैं वो उन पे कितनी अच्छी हैं। अगर मैंने उनको सर्विस अच्छी दी है और मेरा प्रभाव उन पर अच्छा पड़ा है, तो वो मेरी तरीके से बिजनेस करने को जरूर तैयार हो जाएंगे। दिन से एक गलती करते हैं कि जिसको भी जोड़ते हैं ना सीधे सीधे उसको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बना करके सोचते हैं कि बस ये काम शुरू कर दे, बस ये काम शुरू कर दे, लोगों को ले आए, लोगों को मिलाए, लोगों को बता दे, 10 ज्वाइनिंग करा दे, ये करा दे। नहीं, ऐसे नहीं। आप देखो ना, आप लोग भी जब ज्वाइन किया था, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे थे जिन्हें नेटवर्किंग के बारे में नहीं पता था। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्हें नेटवर्किंग के बारे में नहीं पता था। जब उनको यूजर बनाया गया था तो टेम्पररी नॉट इंटरेस्टेड थे, काम नहीं करेंगे। उनका भी वही था काम, नाम नहीं है भैया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे पास और बहुत काम है, प्रोडक्ट आप दे दीजिए, मैं खा लूंगा। नाउ जब वो प्रोडक्ट खाते हैं, अब हमें अपनी सर्विसेज के जरिए उनको टेम्पररी नॉट इंटरेस्टेड इंसान से पहले अगली स्टेज में लेकर के जाना है, जिसे कहते हैं लॉयल कस्टमर। वो हमारे एक लॉयल कस्टमर हो गए कि पहले मुझे उनसे पूछना पड़ता था कि आपके प्रोडक्ट खत्म हुए कि नहीं और मैं जा रहा हूँ कौन से प्रोडक्ट लाऊं। आज वो आपको फोन करके बोले कि भाई मेरे प्रोडक्ट खत्म हो गए, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मुझे और खाना है, मैं कहाँ से मंगाऊं। वहां तक आपको उनको उस स्टेज तक लेके जाना है, क्योंकि जब वो उस स्टेज में पहुंच जाएंगे, जब वो ये कहने लगे, उस समय आप समझ लीजिएगा कि वो उसमें से बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है, यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे, यहाँ से चीजों को आगे लेकर के चलेंगे। नाउ एक बात याद रखनी है, वो ये कि 7 बेसिक स्टेप्स है जिसके साथ हमें काम करना है। सक्सेस की बात कर रहे हैं ना, और वो 7 बेसिक स्टेप आपको पता है, और ये 15 साल से सक्सेसफुली काम हो रहा है। मैं आपको भी बोलूंगा आप इन्हीं पर काम करते रहिए। और प्रोडक्ट कौन कौन से 7 काम है, पहला है यूज द प्रोडक्ट, दूसरा है शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा मेक अ लिस्ट, चौथा इनवाइट पीपल, पांचवा कंडक्ट मीटिंग, टीम वर्क एंड फॉलो। ये 7 के 7 काम मुझे करने की आदत होनी चाहिए, मेरी टीम अपने आप सक्सेसफुल होने लगेगी, आगे बढ़ने लगेगी। नाउ जो टेम्परेरली नॉट इंटरेस्टेड है उन्हें लॉयल कस्टमर बनाने के लिए मुझे क्या करना, इसके लिए आपको जो सबसे अच्छा काम करना होता है, कीप प्रोवाइडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू पीपल हु आर टेम्परेरली नॉट इंटरेस्टेड। जो लोग टेम्परेरली नॉट इंटरेस्टेड हैं, अभी नए नए ज्वाइन किए हैं, नए नए प्रोडक्ट यूजर बने हैं, जो भी वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके बारे में और कंपनी के बारे में इतना कुछ हो रहा है उसके बारे में लोगों को बार बार नई इन्फॉर्मेशन देते रहिए। आप देखिए आपके नेटवर्क में नए लोग आने अपने आप शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो लॉयल कस्टमर बन जाएंगे। और वो लॉयल कस्टमर जब बन जाएंगे, उनके माइंडसेट चेंज होने लगेगा, आप उनको बड़े आराम से इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बना पाएंगे, आप बड़े आराम से उनको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बना पाएंगे और यहाँ से काम बहुत आसानी से शुरू, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, अपने साथ काम करा सकते हैं, कंसिस्टेंटली आगे बढ़ा सकते हैं। नाउ अब जब हमारे साथ वो आ गए इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तैयार हैं, तो उससे मैं उन्हें करना क्या है, एजुकेट डिस्ट्रीब्यूटर टू डू बिजनेस एंड फॉलो द वेस्टेज सिस्टम इंडिपेंडेंटली। इसके बाद हमें वही काम करने हैं जो 7 स्टेप थे, मतलब कि उनको सिखाना है वो काम करने के लिए जो वेस्टेज का सिस्टम कहता है। अपने सिस्टम बना के हर बार काम नहीं चलेगा, अपनी टीम बनाइए, अपना सिस्टम नहीं। ये मैं हर जगह बोलता हूँ, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, ये सिस्टम जो फुल प्रूफ है, कहते हैं ना अपनी गाड़ी चलाइए, अपने पसंद की गाड़ी चलाइए, लेकिन हाईवे मत बनाइए। हाईवे जो बना है उसी पर चलने दीजिए, आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे और जल्दी पहुंचेंगे। तो जो बना हुआ है ना इस चीज का सिस्टम, उसको वैसे ही बना रहने दीजिए, अपने आप को अपने लोगों को उसमें आगे दौड़ाइए। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट, ये आपको बहुत मदद करने वाला है।
कुछ सवाल हैं जो हमें लोगों से पूछने चाहिए और कुछ अपने आप से भी, क्योंकि हम लोगों से तो बहुत सवाल पूछते हैं। एक व्यक्ति है जिससे हम सबसे कम सवाल पूछते हैं, वो है मैं खुद। तो अपने आप से भी कुछ सवाल पूछ लीजिए, किसी को भी ज्वाइन कराने के पहले, अपना नेटवर्क बनाने के पहले। आर यू रेडी फॉर क्रिएटिंग ए नेटवर्क? शीशे के आगे खड़े हुई और पूछिए, अपने को सोचिए और पूछिए कि क्या नेटवर्क बनाने के लिए, खड़ा करने के लिए मैं तैयार हूं? क्या मुझे, मैंने उतनी नॉलेज ले ली है? क्या मैं सिस्टम को उतने अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ? क्या मैं लोगों की जो क्वेरी आएंगी उन्हें संभाल पाऊंगा, उन्हें समझा पाऊंगा लोगों को? क्या लोग मुझसे अगर कोई सवाल पूछेंगे तो क्या मैं उसके आंसर दे पाऊंगा? अगर अंदर से आवाज आती है यस मैं अब सीख गया हूँ, उतने सवाल तो सीख गया हूँ जो मैं फेस करता हूँ फील्ड में, उतने आंसर मैं दे लूंगा, लोगों को इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर तो बना ही लूंगा कस्टमर से, राइट? तो बस फिर शुरू हो जाइए। ये बात क्यों कह रहा हूँ आपसे पूछना, क्योंकि मिस्टर बाली एक चीज कहते हैं कि सक्सेस कम टू दोस हु प्रिपेयर वेल टू सक्सीड। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। सफल होने के लिए जो तैयारी अच्छी करते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है। तो आपको भी तैयारी अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या आप प्रेस्टीज में सफल हो सकते हैं? क्योंकि जब तक आपको खुद पर यह भरोसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर सफल हो सकते हैं, आप पर दूसरे भरोसा कैसे करेंगे? दूसरा कोई भी व्यक्ति आप पर उतना स्ट्रॉन्गली भरोसा, जब आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरा भी नहीं करेगा। तो करना तो पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ही अपने आप से पूछेंगे क्या मैं सफल हो सकता हूँ यहाँ पे। जब अंदर से आवाज आए यस मैं सफल होने के लिए ही आया हूँ, गुड। अगला सवाल, कैन यू मेक योर फ्रेंड सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स? क्योंकि जिसको भी आप बिजनेस में लेकर के आ रहे हो वो आपका कहीं ना कहीं जानकार है, आपका मित्र है, मित्र बन गया है, तभी उसने आपकी बात को माना है और आपके काम को समझा और आपके साथ आने की तैयारी करा, उसने आपके साथ आगे लेने की तैयारी की है। तो क्या आप खुद को और अपने उस मित्र को दोनों को सफल बनाने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू डू दैट? क्या आपको इस बात का भरोसा है कि वेस्टीज का जो कल्चर और जो एटमोसफियर है, क्या वो आप वहां पर आप और आपके दोस्त खुश रहेंगे, स्टेबल बिजनेस बना पाएंगे? अगर इन सवालों के आंसर यस आते हैं तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये वो काम है जो हम जरूर जरूर कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बिहेव करते हैं। हमारी सोच, हमारी जो अंदर से, क्यों ये सवाल पूछने को कह रहा हूँ, क्योंकि जब अंदर से आपकी जो फील आती है ना वैसे ही आपका बिहेवियर हो जाता है। किसी काम को करने के लिए जब आपके अंदर से आवाज आती है यस आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप वो काम जरूर कर लेते हैं। जब आपके अंदर से आवाज आती है आई कैन नॉट डू दिस, तो आपसे कोई करवा नहीं सकता। इसी तरीके से जब आप ये कहते हो ना कि मुझे खुद पर भरोसा है, आई हैव बिलीफ इन मी, मुझे खुद पर भरोसा है, जब आप पर आपको भरोसा होता है तो दुनिया आप पर भरोसा करती है। अगर आप कहते हो आई डू नॉट हैव बिलीव इन मी, आप अपने आप पर ही भरोसा नहीं कर रहे हो, आपके अंदर से आवाज आ रही है कि मुझे अपने पर भरोसा नहीं है, हर चीज के लिए मैं किसी न किसी की राय मांगता हूँ, किसी न किसी से सजेशंस देता हूँ। जब आप ये काम करते हो ना, जब आपके अंदर आपको खुद बिलीव नहीं होता तो दूसरे भी आप पर बिलीव नहीं करते। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज आई एम हैप्पी विथ माई सक्सेस। जो भी सफलताएं अभी तक आपको मिली है, जरूरी नहीं है कि आपको सफल होने के लिए आपको क्राउन ही बनना पड़ेगा। हाँ, वो 5% भी सफल है जिसने एक अपनी सोच कुछ जानने की कोशिश की और उसे कुछ चीज जो चाहता था वो समझ में आया और उसने वेस्टीज में ज्वाइन कर लिया और प्रोडक्ट खाने शुरू कर दिए और उस प्रोडक्ट से उसको इफेक्ट्स आने लगे, तो ये भी उसकी सक्सेस है। अगर उन्होंने अपने जैसे एक या दो लोगों को समझाया तो वो लोग समझ गए और उसकी बात को मान गए और वो प्रोडक्ट लेने लगे, तो ये भी सक्सेस है। अगर वो 5% से 6-7-8 लोगों को समझा करके 8% बन गए, तो ये भी उनकी सक्सेस है। तो जो भी जो सबसे टफ लोग थे मैं उनको समझा पाया अपनी जिंदगी में, है ना, तो क्या अगर वो मेरी बात मान गए तो इसका मतलब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। इफ आई एम हैप्पी विद माय सक्सेस, अगर मैं अपनी आज की सफलता से खुश हूं तो लोग मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे, और अगर मैं आई एम नॉट हैप्पी, अगर मैं अपनी सफलता से खुद खुश नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है रोते रहने की, कुछ लोगों की आदत होती है प्रॉब्लम, जो मतलब सक्सेसफुल हो गए हैं, पैसे कमा रहे हैं, अच्छा है, सब कुछ कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं। जो लोग खुद खुश नहीं दिखते उनके साथ लोग कभी नहीं जुड़ना चाहते। तो हमें इस चीज को देखना है, ये बातें समझनी पड़ेंगी, ऐसे हम काम कर सकते हैं। नाउ टेल स्टोरीज टू सपोर्ट एंड एनकरेज पीपल।
जब आप लोगों को सपोर्ट करते हैं और एनकरेज करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उनको कहीं अपनी गाड़ी में बैठा के दिन भर घुमाने का बात नहीं होती, उनको वहां लेके जाना है, आप जा सकते हो, अप्लाई आपको ये भी करना है। मतलब सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनको लेके ही ढोते रहोगे, उनको कहानियां सुनाइए, टेस्टिमोनियल्स दीजिए, स्टोरीज, अपनी सफलता की कहानी, अलग अलग तरीके की, कैसे अलग अलग तरीके के लोगों को आपने हैंडल किया, कैसे अपनी अपलाइन से आपने कुछ सीखा जिसने आपकी जिंदगी बदली, राइट? तो ऐसे चीजों को समझना है, क्योंकि जब आप ये कहानियां सुनाते हो तो कहानियां पॉजिटिव इम्पैक्ट देती हैं, लोगों के दिमाग में एक अच्छा इंप्रेशन डालती हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, इट इंक्रीजेज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आपको कॉन्फिडेंस देख के दूसरे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। देन द थिंग इज टेल स्टोरीज टू योर डाउनलाइन, और फिर ये कहानी आपको सुनानी किसी अपनी डाउनलाइन को, उनका कॉन्फिडेंस बड़ा करने के लिए, उनकी ग्रोथ शेयर करने के लिए, कंपनी की ग्रोथ शेयर करिए, कैसे कैसे आप करेंगे। नए इंसान को जब आपको कॉन्फिडेंस देना होता है ना, कहानियां सुनानी पड़ती है, कहानियां अपनी सफलता की कहानी सुनाइए, कंपनी में उनका विश्वास कैसे बढ़ेगा इसके बारे में बताइए, कंपनी की ग्रोथ के बारे में बताइए, कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताइए, कंपनी के विजन के बारे में बताइए। आपसे सब सारी चीजें हम लोग शेयर करते हैं, ये सारी चीजें हम आपसे शेयर करते हैं, कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूसली शेयर करते हैं, टू इंक्रीज द बिलीफ इन वेस्टीज एजुकेशन, वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम में उनको विश्वास बढ़े, इसके लिए आपको उन्हें सिखाना पड़ेगा, इसके लिए उन्हें बनाना पड़ेगा, उनका ये समझाना पड़ेगा हाउ कैन आई स्टार्ट बिजनेस ऑफ वेस्टीज, कि वेस्टीज का बिजनेस, एक जो सवाल उनके अंदर चल रहा होता है ना कि कैसे शुरुआत करूंगा, मैं यूजर तो बन गया, आपकी बातें समझ में आ गई, मैं मोटिवेट भी हो गया, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, कंपनी का विजन भी समझाया, ये सब समझ के मैं तैयार हुआ, आई एम रेडी टू डू बिजनेस, लेकिन शुरू कैसे करूं। शेयर 7 स्टेप्स ऑफ सक्सेस, वहां पर आपको ने 7 काम बनाने, कौन से 7 काम थे जो आपको पता है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट, मीटिंग, टीम वर्क एंड फॉलो अप, ये 7 काम, राइट? ये काम आपको करने, इसके बाद आपको ये सिखा दीजिए उन्हें करना, और उसके बाद उनसे बताइए, उनकी गोल सेटिंग करिए, उनकी गोल सेटिंग करने के बाद उनके एक्शंस डिसाइड करवाइए, कि गोल भी डिसाइड हो गया, अब एक्शन की प्लानिंग क्या है, और फिर उस एक्शन पर काम करिए, एजुकेशन टूल उनको सिखाइए, और उस एक्शन के साथ काम करना जब आप शुरू करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। जब वो काम करना शुरू कर दें तो उन्हें 3 डिफरेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, वो आप उन्हें करवाइए, पहला है वेस्टीज एज ए करियर, दूसरा है 7 पिटफॉल्स ऑफ बिगिनर्स, और तीसरा है हाउ टू स्टार्ट, और ये वेस्टीज के मॉड्यूल्स हैं, 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, और ये 3 मॉड्यूल्स एक ट्रेनिंग में आते हैं, जिस ट्रेनिंग का नाम है VIP, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, तो VIP ट्रेनिंग अटेंड कराइए। ये सब कराने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आज आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आप किसी को ज्वाइन कराइए, इतना सारा कुछ कराइए, और उसकी जब VIP अटेंड करानी हो तो आपके यहाँ पर इतनी सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन हो रही है, उसमें इसके मॉड्यूल्स भी हो रहे हैं, VIP के मॉड्यूल्स हो रहे हैं, मुझे पता है, वेस्टीज एज ए करियर भी हो रहा है, 7 पिटफॉल्स ऑफ बिगिनर्स भी हो रहा है, हाउ टू स्टार्ट वेस्टीज बिजनेस भी हो रहा है, और ये 3 मॉड्यूल अपने लोगों को कराइए, 1 घंटे 1.5 घंटे के होंगे, कराइए अलग अलग दिन, वो सीखेंगे, जब सीखते हैं तो नॉलेज बढ़ती है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप दूसरी चीज, आप क्या इंश्योर करेंगे कि आपकी जो डाउनलाइन बन रही है, जो आई है, वो एक सिस्टम ड्रिवन होगी, सिस्टम को फॉलो करनी होगी, और जब तक उनके 3 से 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर्स नहीं आ जाते तब तक उनको साथ काम करते, सपोर्ट करते, डायरेक्ट डाउन में डायरेक्ट ज्वाइन, वो करने के लिए कम से कम उन्हें 10-15 लोगों तक जाना पड़ेगा, तो उन्हें कम से कम 10-15 लोगों तक लेकर के जाइए, उन्हें सिखाइए, उनके साथ लोगों से मिलिए, अभी जा नहीं सकते लेकर के तो ऑनलाइन बुलाइए 3 लोगों को एक साथ, आप, आपकी डाउनलाइन और उनका एक प्रोस्पेक्ट, ये आधे घंटे आप प्रेजेंटेशन दीजिए, 10-15 मिनट में उनकी क्वेरी रिजॉल्व करिए, आप देखिए धीमे धीमे करके लोग ऑनलाइन ज्वाइनिंग, और वहीं पर बैठ करके उन्हें ऑनलाइन ज्वाइनिंग सिखाइए और उनसे ज्वाइनिंग कराइए ऑनलाइन, आप जब धीमे धीमे करके करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना आसान बिजनेस है। मैं यहीं पर बीच में ही आपसे एक चीज और शेयर कर रहा हूँ, इंस्पाइट ऑफ सारी चीजें और इतना सब कुछ और, यू नो, महीने के 5 लाख ज्वाइनिंग होती है कंपनी में, पहले हो रही थी 4 से 5 लाख के बीच में ज्वाइनिंग, इतना सब कुछ ऑड होने के बाद भी, ऑकवर्ड होने के बाद भी, हमने बिजनेस इस महीने शुरू किया है 6 तारीख से, और 6 तारीख से 16 तारीख तक का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, करीब करीब 80,000 से ज्यादा लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर चुके थे,
क्योंकि मैनुअल तो ज्वाइनिंग हो नहीं रही थी, ऑनलाइन ज्वाइनिंग। आप सोचिए उसके बाद भी लोग नहीं जा पा रहे, फिर भी इसका मतलब कि ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो रही है और लोग काम कर रहे हैं और समझ रहे हैं। ये बात आपको भी समझनी और लोगों को समझानी। अपनी डाउनलाइन को हेल्प करिए एक टीम के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन करने के लिए, और अपना सपोर्ट जो बेस्ट सपोर्ट है उनको दीजिए जो काम अकेले करने के लिए आपको लगता है तैयार हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। एक अच्छे लीडर की काबिलियत यहीं से दिखाई देती है, यहां से शुरू होती है। लीडरशिप के बारे में अभी तो आपको क्या करना है उसके बारे में बता रहे थे। एक अच्छे लीडर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है जहां से लोग आपको लीडर मानना शुरू करेंगे, मैंने वो बताया था। और आप अच्छे लीडर हैं और ये साबित होगा आगे जो मैं बताऊंगा उससे, लेकिन उसकी शुरुआत यहां से होती है। दैट गिव योर बेस्ट सपोर्ट टू द इंडिविजुअल हु यू फील कैन डू अलोन। जो आपकी टीम में जब लोग सीखने लगते हैं ना, तो कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जहां पर आपको ये एहसास हो जाता है कि यार ये अभी सीख रहा है, ये अकेले कर लेगा, ये कर लेगा, ये अच्छा है, ये कर लेगा। ये फीलिंग आती है ना आपके अंदर, और जब ये फीलिंग आपके अंदर आती है उसी समय हम उसको छोड़ देते हैं और किसी और के साथ काम करना शुरू करते हैं। ये नहीं करना है। जब ये फीलिंग आए कि ये तैयार हो रहा है, ये सीख गया है और ये कर लेगा, द मोमेंट आपको ये फीलिंग आ जाएगी अब ये कर लेगा, बस उस समय उसको छोड़ना नहीं है। उसको उस समय सबसे ज्यादा सबसे अच्छा सपोर्ट उसको देना है। और ये समझ लीजिए कि वो लीडर बनने को तैयार है लेकिन लीडर बना नहीं है, वो कर सकता है, ही कैन डू अलोन। अभी वो करने के लिए बिल्कुल वैसे नहीं है कि वो लाइन पार कर गया। आपको यहां से ना, अगर मेरा कर्सर दिख रहा होगा तो यहां से आपको ये लाइन जो ये चेक वाली बनी है ना, इसको पार कराना है। मतलब इसको लीडर बनाना है, लीडर बनने को तैयार है, लीडर बनाना है। जब तक ये लीडर नहीं बन जाता तब तक इसको अकेला नहीं छोड़िए। जब तक ये लीडर नहीं बन जाता तब तक इसको अकेला नहीं छोड़िए। जब ये लीडर बन जाएगा तब ये आपसे खुद ही बोलेगा कि थैंक यू सो मच मुझे यहां तक लाने के लिए, मैं अब अपनी टीम को संभाल रहा हूं और जब जब आपकी जरूरत पड़ेगी मैं तब आपसे मांगता रहूंगा। और जब आपको ये ऐसा बोले उस समय आप उसको बोलिए ऑल द बेस्ट, और फिर अगला इंसान जो अकेले करके यहाँ तक आगे आने को तैयार है उसको पकड़िए और उसको आगे बढ़ाइए। ऐसे आपको लीडर क्रिएट करना है ना। यहाँ तक अगर आप, ये आपका रोल था, यहाँ तक आप समझ पाएंगे, अगर आपने ऐसा किया तो आप ये काम में नए लीडर अपने लिए ढूंढ पाएंगे। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ इस हीट में कि वो अच्छा काम कर रहा है, अब तो वो कर लेगा, अब उसको छोड़ते हैं और किसी दूसरे इंसान को आगे बढ़ाने। आपकी सोच गलत नहीं है, आपकी सोच गलत नहीं है, आपको किसी और लोगों को भी तो आगे बढ़ाना है, तो वो काम आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन गलती छोटी सी क्या होती है, जिस वक्त साथ रखने की जरूरत होती है उस समय साथ छूटता है ना, तो डिसबैलेंस हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यूं समझिए, हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, जब पैदा होते हैं तो उन्हें गोदी में लेके चलते, जब वो थोड़े बड़े होते हैं वो चलना शुरू करते हैं ना, लड़खड़ा के, तो उन्हें वॉकर देते, कुछ सपोर्ट देते, फिर उन्हें अपनी उंगली पकड़ा के, हाथ पकड़ा के चलाते, राइट। और हमें लगता है कि हाँ ये अपने आप अब चल लेगा, है ना, अपने आप अब सब कर लेता है, तो हम क्या करते हैं उस पर अपनी निगाह रखते हैं घर के अंदर। लेकिन अगर घर के बाहर लेके निकल रहे होते हैं ना, मतलब उस पर जिम्मेदारी कोई डाल रहे होते हैं, बाहर निकलना भी एक अपने आप में जिम्मेदारी है, राइट, तो हम उसका उस समय हाथ नहीं छोड़ते। जब उसे रोड क्रॉस करानी है हम उसका हाथ पकड़ते हैं, और हाथ पकड़ने के बाद फिर भी हम जब पार कर जाता तो नहीं छोड़ते। जब वो ग्राउंड में खेल रहा होता है ना तो हम उसे छोड़ के नहीं चले जाते, जब वो ग्राउंड में खेल रहा होता है तो हम उस पर निगाह रखते हैं, और जब हमें लगता है कि इसको हमारे सपोर्ट की जरूरत है तो दौड़ के जाके उसको सहारा दे देते। अगर वो गिरता है ना तो जल्दी से जाके बच्चे को उठा लेते, उसको उसका दिमाग बहलाते, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, गिरने से कोई चोट नहीं लगी, चींटी मर गई, ये हो गया, वो हो गया, उसे बताते हैं ना हम लोग ये सब, और उसकी चोट को झाड़ते हैं, और उसको फिर उसका दिमाग किसी उसके वापस, अरे खेलो तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे, दौड़ो कितना अच्छा तुमने दौड़ा था, और फिर उसको वैसे ही काम करने के लिए लेकर उसका साथ। हमारी डाउनलाइन को हमें अपने बच्चों की तरीके से ट्रीट करना है जैसे हम अपने बच्चों को, हाँ जब वो बड़ा हो जाता है, जॉब करने लगता है, काम करने लगता है ना, तब उसकी जिंदगी में दखल नहीं।
बस ये कहते हैं तुम अपने फैसले खुद लो, अगर मेरी जरूरत पड़े मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। यहां तक अपने अपना डाउनलाइन पे जब आप लेकर के जाते हो तो एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल नेटवर्क बनता है, तभी काम आगे होता है। ऐसे ही हमको काम करना। आई होप अभी तक मैं जो बातें आपसे कर पा रहा हूँ तो शायद आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी, एंड आई विश कि हम ऐसे इन चीजों को करें। दैट्स ग्रेट। तो यहाँ तक हमने आपसे जो बात करी, काफी लोगों को मैं देख रहा हूँ, हाउ सो मेनी पीपल हैव रिज़न देयर हैंड्स, दैट्स वेरी एनकरेजिंग। मैं सारे लोगों के हाथ अभी मैंने फिलहाल नीचे कर दिए हैं, और जब कभी कोई जरूरत होगी तो आप दोबारा से हैंड अप करेंगे तो मैं वापस आपके साथ फिर से बात करूंगा। दैट्स नाइस। वापस फटाफट हैंड अप होते हैं, राइट? तो दैट्स नाइस, एनकरेजिंग। आगे चले, आगे चलने के पहले मैं एक बार फिर से एक बार हैंड्स डाउन करूंगा और उसके बाद फिर आपसे देखता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ। आगे चले तो आप बताइएगा। यस यस, हाँ तो आगे चले और थोड़ी सी बात कर लें। हाँ, फटाफट हाथ आने शुरू हो गए। वाओ, सो मेनी। यस यस, मैं चलूंगा। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। आपको भी थोड़ा सा बीच में मैं 2 मिनट का ब्रेक दे रहा था क्योंकि मैं कंटिन्यूस बोल रहा था तो आपका भी दिमाग एक तरफ साइड में बिल्कुल चला गया होगा, तो ओवर बर्डन नहीं हो, इसके लिए मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा था। थैंक यू सो मच। अब जो मैं आपसे बात करूंगा वो बात करूंगा एक लीडरशिप के बारे में, कि एक अच्छी लीडरशिप कैसी हो, और ये मेरे लिए समझना बहुत जरूरी है। अभी तक मैं था कि लीडर बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, और अब मेरे अंदर क्या होना चाहिए एक अच्छे लीडर की क्वालिटी, मैं ये बताना चाहूंगा, राइट? या कौन अच्छा लीडर बनेगा उसके अंदर ये काबिलियत होगी तो वो बन जाएगा, ऐसे लोगों को पहचान पाओगे, तो उस पर हम अभी चीजों को लेंगे। एक अच्छे लीडर की जो काबिलियत होती है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली होनी चाहिए, दैट इज इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। उसे ईमानदार होना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो ईमानदार नहीं है वो कभी भी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। इंटीग्रिटी इज समथिंग विच इज वेरी सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो दोनों में एक फर्क है। इंटीग्रिटी आपकी सोच है, है ना, जो आपकी जिंदगी की वैल्यूज है, जैसा आप सोचते हैं, और जो ऑनेस्टी है वो आपका बिहेवियर है। राइट? इंटीग्रिटी सेज, लाइक एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूं तो बहुत बहुत छोटा सा है, आई डोंट नो मैं ठीक से क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि सड़क पर आप जा रहे थे या कोई भी जा रहा था, और एक इंसान को ना वहां पर 2000 रुपए का नोट मिल गया पड़ा हुआ, और वो किसी चीज से दबा हुआ था इसलिए उड़ नहीं पा रहा था, तो आपको दिखाई दे गया था कि वहां पर है। नाउ एक इंसान आपको दिखाई दिया, उसको भी दिखाई दिया, और आप दूर से खड़े होकर के देख रहे हैं, वो आता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, किसी को देखता है, कोई आसपास है कि नहीं है, देखता कोई भी नहीं है, उसे समझ नहीं आता, उसे लगता पता नहीं किसका नोट गिरा, यहाँ आसपास तो कोई है भी नहीं, फिर भी किसी का नोट गिरा। ओके फाइन, अगर किसी का होता तो मैं उसको दे देता। उसने 2000 का नोट उठाया और अपने पॉकेट में रख लिया। आगे गया, उसे एक दूसरा इंसान मिला, वो इंसान एक पुलिस वाले से बात कर रहा था, और वो इंसान जो पुलिस वाले से बात कर रहा था उसको देख करके पुलिस वाला उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने आगे जाकर के इंसान से पूछा कि वो आप पुलिस वाले को क्या बोल रहे थे, तो कहता मैं पीछे से आ रहा था तो मैंने देखा 2000 का नोट पड़ा हुआ था, तो मैंने पुलिस वाले को बताया कि वहां पर किसी के पर्स से शायद कुछ पैसे गिर गए तो आप इसे उठा लीजिए, अगर कोई क्लेम करेगा तो उसे दे। ना दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले वाले ने वहां पर देखा लेकिन उसने पड़ा देखा लेकिन उठाया नहीं, उसने जाके वहां पर एक पुलिस वाले को बताया कि आप इस नोट को उठा करके
रख लीजिए। अगर कोई क्लेम करेगा कि मेरा कुछ पर्स गिर गया था, मेरा नोट गिर गया था, तो आप उसे दे सकते। दिस टॉक्स अबाउट इंटीग्रिटी वैल्यूज। और दूसरे वाले का बिहेवियर बहुत सिंपल, बहुत ऑनेस्ट। उसने पहले देखा किसी का गिरा है, अगर कोई आसपास हो तो उसे बुला के दे दें। लेकिन जब उसने देखा कि किसी का नहीं है, यहाँ पे कोई है ही नहीं इंसान, किसका गिरा है पता नहीं, तो उसने उठा लिया, कुछ और नहीं था। What I'm trying to tell you is, integrity is your values and honesty is your behavior. दोनों गलत नहीं है। एक का बिहेवियर बड़ा ऑनेस्ट था। पुलिस वाले को उसने देखा, उसने कहा ओके, वो वहां पर मिला है। तो उसने अब आगे क्या हुआ जो कहानी में सुना रहा था, जब उसे पता चला कि उसने पुलिस वाले को बताया कि वहां पर 2000 का नोट था जो गिरा हुआ था, तो उसने अपनी जेब से निकाला और उसने कहा कि हाँ ये नोट गिरा हुआ था वहां पर और ये आप ले लीजिए, जिसका होगा उसको दे दीजिए। तो पुलिस वाले के पास जाकर के कह रहा है, ईमानदार बिहेवियर है उसका। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर। द लीडरशिप, एक अच्छा लीडर वो होता है जिसकी इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी इंटैक्ट होती है, जिसकी वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होती है। कंपनी के लिए भी यही होता है। आज वेस्टीज वैल्यूज पर काम कर रही है, वेस्टीज की वैल्यूज है। हमारी आपकी वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारे बिहेवियर बहुत ऑनेस्ट होने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते। दूसरी चीज, एक इंसान को कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। यहाँ पर फोटो दिख रही, मुझे पता है इस फोटो को देख करके आप सारे लोगों के चेहरे पर एक स्माइल आ गई होगी, और आनी भी चाहिए, बच्चा है ही इतना अच्छा। नाउ ये क्या कहता है, आई कांट और आई कैन? ये बच्चा कह रहा है यस आई कैन, दिख रहा ना उसके चेहरे से। दैट इज हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। क्या आप इतना कॉन्फिडेंट फील करते हो? एक अच्छा लीडर कॉन्फिडेंट होगा, उसके अंदर से कॉन्फिडेंस दिखेगा। वो कभी भी आई कैन नॉट पर बिलीव ही नहीं करेगा, वो हमेशा आई कैन, यस आई कैन, यस आई कैन, दैट इज द पावर। वो यस आई कैन वाला लीडर होगा, वो तभी अच्छा लीडर बनेगा। एक अच्छा लीडर इंस्पायर करता है लोगों को। इंस्पिरेशन पर एक लाइन बहुत अच्छी मुझे लगती है, मैं अपनी हर मीटिंग में, हर जगह, हर ट्रेनिंग में मैं डालता हूँ कि इफ योर एक्शन इंस्पायर अदर्स, इफ योर एक्शन इंस्पायर अदर्स, यदि आपके एक्शन दूसरों को इंस्पायर करते हैं बड़ा सोचने के लिए, टू ड्रीम मोर, टू लर्न मोर, ज्यादा सीखने के लिए, डू मोर, और ज्यादा काम करने के लिए, और कुछ बहुत बड़ा इंसान बनने के लिए, टू बिकम मोर, देन यू आर ए लीडर। तो आप एक लीडर हैं। अगर आपके एक्शंस लोगों को बड़ा सोचने के लिए, बड़ा सीखने के लिए, और ज्यादा एक्शन करने के लिए, और बड़ा इंसान बनने के लिए मजबूर करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो आप एक अच्छे लीडर हैं। एक लीडर को कोई इंस्पायर नहीं करता, लीडर वो होता है जो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करता है। लीडर लीडरशिप में कोई भी कभी भी एक टीम को आप लीड पीछे खड़े होके नहीं कर सकते। लीडर हमेशा आगे रहता है, लोग उसके पीछे अपने आप आ जाते हैं। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट लीडरशिप इज कमिटमेंट एंड पैशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे कहते हैं कमिटमेंट एंड पैशन। एक अच्छा लीडर कमिटेड होगा और पैशनेट होगा, क्योंकि एक अच्छे लीडर को उसकी टीम हमेशा उसकी तरफ ही देखती है। योर टीम लुक्स अप टू यू एंड इफ यू वॉन्ट देम टू गिव देम देयर ऑल, यू विल हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट। एक टीम हमेशा आपको आपकी तरफ देखती है। अगर आप चाहते हैं अपनी टीम को वो सब कुछ देना जो टीम चाहती है, तो उसके लिए आपको पैशनेट होना पड़ेगा। देखिए कमिटमेंट और पैशन में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि देयर इज समथिंग, देयर इज अगर आप पैशनेट नहीं है तो आपको वो कमिटेड नहीं होंगे, ये इंटरलिंक्ड है। तो अगर आप कमिटेड नहीं है किसी चीज के लिए तो आपका पैशन दिखेगा नहीं। और एक और बहुत चीज है, ज्यादातर लोग इंटरेस्ट और कमिटमेंट, मैं आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस और आई एम कमिटेड इन डूइंग दिस, इन दोनों में बड़ा फर्क है। ये मैंने नीचे लिखा है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग You do it only when it is convenient. यदि आप किसी काम को करने में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो काम आप तभी करते हैं जब आप अपनी सुविधा में होते हैं। तो अपनी सुविधा के हिसाब से आप काम करते हैं, इस काम को करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो। इसी का डिफरेंस देखिए, when you are committed to something, जैसे आपने किसी चीज का कमिट कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया है,
तो फिर उस समय आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए होता, केवल रिजल्ट। फिर किसी भी कीमत पे वो आप काम कर देते हो। जब आप एक कमिटमेंट कर देते हो ना एज ए लीडर कि मैं इतना कर दूंगा, इतना बिजनेस कर दूंगा, इतने लोगों को सफल बना दूंगा, इस साल तक इतना अचीव कर लूंगा, तो वो काम आप कर देते हो। लेकिन अगर आप वो काम में इंटरेस्टेड हो, यस मैं इतने लोगों को सफल बना दूंगा, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं करना चाहता हूँ, तो फिर जब आप सुविधा, तो ये डिफरेंस है इंटरेस्टेड और कमिटमेंट में। कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ काम करने में आपका इंटरेस्ट होगा और कुछ काम आप कमिटमेंट से करोगे। जो आप कमिटमेंट से करोगे वो जरूर पूरा होगा। तो आपको अपना कमिटमेंट चीजों पर बना करके रखना है। एक अच्छे लीडर की और बहुत बड़ी काबिलियत होती है दैट आप अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, आपकी टीम वही समझे जो आप समझाना चाहते हैं, आप तब बहुत अच्छे लीडर बनते हैं। टीम को आप वो बात जो समझाना चाहते हैं, जब टीम पूरी तरीके से वो बात समझती है, मतलब आप कम्युनिकेशन अच्छा कर पा रहे हैं, तो आप बहुत इफेक्टिव लीडर हो। इस चीज पर हमें फोकस करना है। सिमिलरली अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी हो। अ गुड लीडर टेक्स लिटिल मोर देन हिज शेयर ऑफ द ब्लेम एंड लिटिल लेस देन हिज शेयर ऑफ द क्रेडिट। एक अच्छा लीडर अगर सफल होते हैं लोग, तो उसकी शेयर अपने लोगों को देता है, अपनी टीम को देता है। और अगर वो जो गोल बनाया उसको नहीं कर पाए, यानी कि असफलता मिली, तो उसका क्रेडिट कि मेरी वजह से, शायद मैं ठीक से नहीं समझा पाया इसलिए ऐसा हो रहा है, तो वो उसकी क्रेडिट अपने ऊपर लेता है, ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। एक अच्छे लीडर की काबिलियत होती है। लेकिन बहुत सारे लीडर इस चीज को भूल जाते हैं, और जब मैं पूछता हूँ या कोई भी बात करते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो वो तुरंत बताना शुरू कर देते हैं, मेरी उस टीम से ये नहीं हुआ, उस टीम में वो नहीं हुआ, उसने इतना नहीं किया, उसने इतना नहीं किया, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। लेकिन अगर अच्छा लीडर है तो उसकी जगह बिल्कुल दूसरा बोलता है कि सर टीम ने तो बहुत कोशिश की, शायद मैं उनको ठीक तरीके से गाइड नहीं कर पाया, मेरी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ हो गई थी, मैं अच्छे से करूंगा और अगले महीने आपको अपना कमिटमेंट पूरा करके दिखाऊंगा। ये काबिलियत होती है एक लीडर की। स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है तो देर इज नो आई, मैं नहीं होगा, देर इज अकाउंटेबिलिटी, मैं नहीं, अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी लेनी, मैं ये नहीं कर पाया, मैंने क्या किया नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, ईगो नहीं होगी। अगर गलती हुई है या हम ठीक से नहीं कर पाए तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये बात समझती है। यहाँ पर आई का मतलब है ईगो से, ईगो आ जाती है, मैंने तो सब ठीक किया था, फिर वो कंपनी पे चार ब्लेम DLCP के ऊपर, चार ब्लेम उसके ऊपर, राइट, क्रॉस लाइन के ऊपर, सबके ऊपर ब्लेम दे देंगे, लेकिन अपनी टीम की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे। लेकिन एक अच्छा लीडर होगा तो ये सब कभी नहीं बोलेगा, वो अपनी जिम्मेदारी लेगा, काम करेगा और प्रूव करके दिखाएगा कि वो अच्छा लीडर है। एक और बहुत बड़ी काबिलियत होती है एक अच्छे लीडर में, उसे अपने काम को डेलीगेट करना और एम्पावर करना आता है। अगर सब कुछ आप ही करते रहोगे अपनी टीम में ना, तो एक लंबे समय में बहुत बड़े सफल इंसान नहीं बन पाओगे, थक जाओगे। लेकिन अगर आपने काम को डेलीगेट करना सीख लिया, अपनी टीम की जिम्मेदारी, नए नए लीडर बना करके टीम की जिम्मेदारी लोगों को देनी सीख ली, नई नई चीजें लोगों को सिखानी है आपको, उसके लिए ढूंढ लिया कि कौन क्या कर सकता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने लगे, काम को डेलीगेट करा, तो आप जल्दी आगे बढ़ो। डेलीगेट टास्क टू परफॉर्म, एक अच्छा लीडर कोई भी काम करने के लिए जॉब को डेलीगेट करता है। प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड सपोर्ट, अपनी टीम में लोगों को डेलीगेट करेगा, बनाएगा कि कोई कहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं 40,000 की इनकम पे जाना चाहता हूँ, तो उसकी प्लानिंग वो उसी से करवाएगा, उसी लीडर से, और उसके बाद फिर उनको सपोर्ट करेगा एक अच्छा लीडर, ना कि खुद ही उनके लिए सब कुछ प्लानिंग करेगा, खुद ही करेगा, तुम नहीं कर पाओगे, मैं करता हूँ। आज मैंने देखा है कि लोग ट्रेनिंग करने के लिए भी ना, वो जब तक अगर उनकी डाउनलाइन उनको नहीं बुलाए ट्रेनिंग करने के लिए, तो नाराज हो जाते हैं और फिर सब जगह जा नहीं पाते। ये करने की जरूरत क्या है? अरे अपनी टीम में लोगों को, अपने लीडर को इतना सिखा दो कि वो ये काम खुद करने लगे, और उसके बाद फिर आप कभी कभी वहां पर कनेक्ट करो, आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ती है और आपकी डाउनलाइन काम करना भी सीख। लोगों को जिम्मेदारी दीजिए, चांस दीजिए उन्हें जिम्मेदारी लेने के लिए। अपनी टीम में जो आपके कोर लोग हैं ना, आप उनकी प्लानिंग खुद करने की जगह एक बार उनमें से लोगों को बुला करके बैठाइए और उनसे कहिए कि इस बार बताओ हमें टीम में से कितना करना चाहिए, तुम लोग प्लानिंग करो,
और जैसी तुम लोग प्लानिंग करोगे उसके हिसाब से इस बार काम होगा। लोग बड़ी टीम को संभालना और बड़ी प्लानिंग करना सीख जाएंगे, शुरू कर देंगे। अगले इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रिएटिविटी एंड अनाउंसमेंट, सॉरी इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। नाउ जब तक आप क्रिएटिव नहीं हो और आप कुछ नया करने के लिए तैयार नहीं है, नई सोच में नई तरीके से चीजों को करने के लिए तैयार नहीं, तब तक आपके सपने रियलिटी में नहीं बदलते। क्योंकि वही पुराने तरीके से काम करते रहेंगे तो वैसे ही पुराने रिजल्ट आते रहेंगे। तो नए तरीके के रिजल्ट चाहिए, नए तरीके से आगे भागना है, नए तरीके से बढ़ना है, नई स्पीड पे दौड़ना है, तो क्रिएटिविटी के साथ इनोवेशन के साथ कुछ करना पड़ेगा, कुछ नया। इसके एक उदाहरण मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, एक जितनी छोटा सा पिक्चर बनी हुई है इसमें कितना सुंदर हाथ बना है, और हाथ बना है और वो एक जो एक रिंग ऐसी है उसको उठा रहा है, उस उठाने के लिए जा रहा है, राइट। ये सबको दिख रहा है, साथ में अगर आप देखेंगे तो आप गौर करेंगे तो इसमें येलो कलर का बल्ब भी दिख रहा है। ये क्रिएटिविटी है, हाथ और उस रिंग को इस तरीके से रखा गया कि वो एक येलो कलर का बल्ब दिख रहा है, दिख रहा है ना आप सारे लोगों को। दैट इज द थिंग, दैट्स द ब्यूटी, क्रिएटिविटी। कुछ नया ढूंढिए, कुछ नया करिए, रिसोर्सेज वही है फिर भी कुछ नया तो कर सकते हैं ना। दैट इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वर्क, तभी आपके सपने, आपके लोगों के सपने हकीकत में तब्दील। एंड लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीम वर्क। जो काम अकेले नहीं कर सकते वो लोगों के साथ मिलकर कर सकते। ये जो बोट चलाते हैं ना इसमें लोग बैठे होते हैं, ये जो बोट चल रही है, जो बोट चलाई जा रही है इसमें आपको 9 लोग दिखाई दे रहे हैं। ये 9 लोग अगर बोट में सबके हाथ में चप्पू है चलाने के लिए, अगर वो नहीं चलाते तो ये स्पीड में नहीं भाग सकती, अकेला इंसान उसको नहीं दौड़ा सकता। जो काम टीम कर सकती है वो आप अकेले नहीं कर सकते। जो अचीवमेंट एक टीम कर सकती है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि टीम वर्क में सबकी ताकत मिल करके इकट्ठा हो जाती है और सबकी अपनी अलग अलग योग्यताएं हैं, और जब सब मिलकर के एक साथ काम करते हैं तो चीजें बहुत अच्छी होती हैं और बहुत आगे बढ़ती हैं। अपने आप को लाइफ में, आखिरी का स्टेटमेंट दे रहा हूँ, नेवर लिमिट योरसेल्फ। जिंदगी में अपने आप को लिमिट मत करिए कि मैं इतना ही कर सकता हूँ। नेवर एवर नेवर लिमिट योरसेल्फ, मैं इतना कर सकता हूँ। आप जितना सोचते हैं उससे बहुत 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 ज्यादा कर सकते हैं, आप अपने आप को रोकते हैं। हर बार कुछ करिए, मैं ये कर सकता हूँ, उसको करिए, और उसके बाद फिर अपने आप से पूछिए मैं और आगे और ज्यादा क्या कर सकता हूँ, और ज्यादा क्या कर सकता हूँ, और ज्यादा क्या कर सकता हूँ। जब आप अपने आप से पूछेंगे ना, आपको अपने आप आंसर मिलेगा, आपको अपने आप रास्ते मिलेंगे, आपको अपने आप तरीके मिलेंगे जिससे आप और बेहतर कर पाएंगे, राइट। तो कीप मूविंग, क्योंकि सफलता अगर चाहिए तो ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा, दैट गेम इज नॉट ओवर टिल आई विन। जब तक मैं जीत नहीं जाता खेल खत्म नहीं होगा। मैं इस खेल को खेलूंगा, ये जो सफलता लिपाने के लिए मैं उतरा हूं मैदान में, तो मैं इस मैदान को छोड़ के तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी सोच है, ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा बिलीव है कि मैं सफल होऊंगा, और मैं सफल होऊंगा, और मैं तब तक मेहनत करूंगा जब तक कि मैं इस खेल में जीत नहीं जाता, यानी कि मुझे सफलता मिल नहीं जाती। हर किसी की सफलता की परिभाषा अलग होती है, अपनी सफलता की परिभाषा लिखिए और उसके बाद उसको पाने के लिए मैदान में कूदिए, काम करिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। कोई ताकत नहीं है जो आपको वहां तक पहुंचने से रोक सके। नो पावर इन दिस अर्थ कैन स्टॉप यू, कोई ताकत आपको दुनिया में ऐसी नहीं है जो रोक सकेगी आपको कि आप वहां तक नहीं, राइट। सो विद दिस आई थिंक इट इज मोर देन एन आवर। मैं अभी आप लोगों को थैंक यू बोलूंगा, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई होप आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे जुड़े हुए आपके पास कुछ सवाल है या कोई भी सवाल है तो मैं और शंकरजीत आपके साथ अभी हैं। आई थिंक वी आर गुड इनफ कि आपके कुछ सवालों के आंसर हम दे पाएंगे। किसी से रिलेटेड हो, मेरे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो, आज की बात से रिलेटेड हो, या वेस्टीज से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप। थैंक यू सो मच गाइस। मैं अपने स्क्रीन को अभी यहाँ से शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, सो दैट वी कैन सी ईच अदर, हम एक दूसरे को देख सकते। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड सच में सच, जैसे कि आपने कहा कि जब तक हम जीतेंगे नहीं, हम इस खेल को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो सफलता की हो और चाहे ये विश्व महामारी से क्यों ना हो, हम जब तक नहीं जीतेंगे हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। कुछ जंग होते हैं जो घर में बैठ के भी जीता जाता है, और हम सारे दुनिया में आज वो जंग लड़ रहे हैं जो घर में बैठ के, और हम भी इसके अंदर सफलता लाएंगे। एक Definitely. ये काली घटा को हम लोग पार करेंगे और एक नए दिन का शुरुआत करेंगे जो और भी ज्यादा बेहतर होगा, और भी ज्यादा उन्नति और प्रगति के साथ हम लोग चलेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली अर्जुन सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन, एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा। बहुत सारी चीजों के बारे में आज जानकारी मिला, बहुत सारी चीजों को आपने सीखा। हम लोग आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से इस सारे प्रोग्राम जो भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि इनको बाद में YouTube के अंदर डाला जाए, ताकि आप उसको फ्यूचर में फिर से दोबारा देख सको, अपने लोगों को शेयर कर सको, आप फ्यूचर से उसके रेफरेंस दे सको, ताकि एक बहुत सारे लोग इसके अंदर सफलता ला सके। थैंक यू। यहाँ पर एक सवाल आया था कि वो इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट वाली स्लाइड को मैं दोबारा से दिखाऊं, तो शंकरजीत ने आपको बता दिया कि YouTube पर पढ़ा होगा, वहां पर सुन लीजिएगा, आपको वापस इसके बारे में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, इसका मतलब आपको स्लाइड अच्छी लगी थी, इंटरेस्ट और कमिटमेंट वाली, ये बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल सिंपल तरीके से मैं फिर से, चूंकि आपने कहा था, यहाँ पर एक बार बता दूं आपको, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। इंटरेस्ट और कमिटमेंट की बातों में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, जो काम हम इंटरेस्टेड होते हैं किसी काम को करने के लिए, और उसको अपनी सुविधा से करते हैं, ठीक है। मुझे, चलो मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाने में इंटरेस्ट है, मुझे घूमना है और मुझे सामान लेकर के आना है घर का, ये काम भी है, इंटरेस्ट भी है बाजार जाने में, तो मैं अपनी सुविधा से कर लूंगा, जिससे मैं खाली होऊंगा सुविधा से कर लूंगा। लेकिन अगर मैं कमिटेड हूं तो फिर मैं उसके लिए सुविधा नहीं देखूंगा, फिर किसी भी परिस्थिति में मैं जाऊंगा। अगर बाहर बारिश हो रही है और मुझे कहीं जाना है किसी से मिलने के लिए, राइट, तो अगर वो मैं इंटरेस्टेड हूँ उससे मिलने के लिए तो मैं जाऊंगा, लेकिन जब बारिश बंद हो जाएगी तब जाऊंगा। लेकिन अगर उससे मिलना मेरा कमिटमेंट है तो फिर बारिश हो रही है तो होने दो, मैं साधन ढूंढूंगा, छाता लेके जाऊंगा, नहीं तो गाड़ी लेकर के जाऊंगा, गाड़ी में बैठ के जाऊंगा, कुछ करूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा, दैट इज अ कमिटमेंट, राइट। तो ये कमिटमेंट और इंटरेस्ट का डिफरेंस है जो मुझे समझना है। अगर हम कमिटेड, एक बार कमिट कर लेते हैं ना कि मुझे ये पाना है, अगर मैंने कमिट कर लिया तो आप, फिर कोई भी रुकावटें जिंदगी में आएंगी, आपको कुछ छोड़ के नहीं जाएगा, आप वो काम करोगे ही करोगे, कोई रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी, ये मैं कहना चाह रहा था। चलिए बाकी आप और देखेंगे तो और मिलेगा। यस शंकर जी। यस सर। दूसरा एक बंदे ने लिखा कि सर कुछ लोगों को बंगाली में चाहिए। एक्चुअली सर हम लोग शुरू किए थे कि रीजनल लैंग्वेज में, पर रीजनल लैंग्वेज में ज्यादा लोगों से हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जितने भी एरिया मैनेजर्स हैं उनकी एक सेल्फ सीएनटी अपने रीजनल लैंग्वेज में, बंगाली में क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए बंगाली में, होने से उन लोगों को अच्छा होगा कुछ लोगों को। तो शंकरजीत यू शुड टेक अ लीड, बाकी सीएनटी अपने सारे एरिया मैनेजर्स को बोलिए करने के लिए, और जो जैसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, आप आई नो यू आर केपेबल इनफ, आपको करिए बंगाली में दीजिए, आपके पास इतने सक्सेसफुल लीडर्स हैं, अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो इतनी अच्छी मोटिवेशनल बातें करते हैं, टीम को मोटिवेट करते हैं, आप उनको एक एक करके बुला करके और उनकी ट्रेनिंग कराइए, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे, बंगला में सबको समझ में आएगा। और मुझे ज्यादा बंगला नहीं आती, बस मैं केवल केमोनाचो पूछ लेता हूँ, और उसके बाद जब ज्यादा कोई बोलता है तो मैं सिर्फ ये बोल देता हूँ कि आमी एटिताई जानी, तो बस बात खत्म हो जाती है वहां पर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है किसी दिन मैं सीख करके बांग्ला में आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे सकूं। आई एम ट्राइंग। चलो ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच। सर आपके जहां भी आपके डाउनलाइंस है कि नहीं, हर स्टेट पे वेस्टिज के लोग आपके साथ हैं, आपके अपलाइंस कहीं पर भी हो लेकिन वेस्टिज के सारे सेल्स गाइस आपके साथ हैं, तो आप किसी भी स्टेट का अगर लोगों को आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम वहां के एरिया मैनेजर से आप संपर्क करो, वो आपको सपोर्ट करेंगे हर जगह पे, तो एवरीवेयर हमारे सारे के सारे सेल्स के लोग हैं। हुमान जी आपने जो एक पूछा था मेरे से, मैं उसके आंसर में आपको सिर्फ एक बोलूंगा कि आप अपनी डाउनलाइन से ज्यादा कनेक्ट रखिए और अपनी डाउनलाइन को ज्यादा गाइड करिए, है ना, आपको जिससे डील करना है आप उससे डील करिए, आप अपनी टीम से डील करिए, राइट, आपको औरों से डील करने की जरूरत नहीं है, जो वेस्टिज में है वो वेस्टिज में है, जो वेस्टिज में नहीं है उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो वेस्टिज में आपके हैं उनके साथ आप हैंडल करें, डील करें, आप एक सही सोच के साथ काम होगा।
ये शंख जी बताएंगे कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी। आराधना कुमारी पूछ रही नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, शंख जी बताएंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट मीटिंग हर रोज हम लोग चार चार मीटिंग आपको करते हैं, एक सुबह 10:30 बजे, एक 12 बजे, एक 2 बजे और शाम को 5 बजे। इन सारे मीटिंग्स के लिंक और क्या मीटिंग है एवरीडे, जो मेरा फेसबुक पेज है शंखोजीत गोसाई बोल के, मैं वहां पर रात को 11 बजे से पहले अपलोड कर देता हूं। नेक्स्ट डे के सारे लिंक्स, आईडी, पासवर्ड वहां पर दिया हुआ रहता है, आप वहां से अपनी जानकारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और किसी को भी शेयर कर सकते हो। शंखजीत सोबिक नाग जी है, इन्होंने लिखा है सर अगर टूल्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, हम लोग एक दिन एक मीटिंग कर सकते हैं जहां पर टूल्स के बारे में, अपने टूल्स को यूज कैसे करना है। सर ऑलरेडी वी हैव डन, राजीव एंड त्रिदीप ने मिलकर ऐसा एक प्रोग्राम किया था कि वेस्टेज के एजुकेशन एंड वेस्टेज के बिजनेस टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए। मैं उसका वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, अपलोड कर दीजिए और उसके बाद भी अगर रिक्वायर्ड होगा तो वी कैन डू इट अगेन, और एक कर लेंगे हम लोग सर। राइट, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। हम फिर से मुलाकात करेंगे आपसे जल्दी आकर के, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, अपनी और अपने परिवार के सेहत का खूब ख्याल रखिए। जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं वेस्टीज में, जिस तरीके से चीजें अभी आ रही हैं, जो हम अभी कर पा रहे हैं, हम बहुत सारे चीजें और बेहतर तरीके से करेंगे। राइट, अच्छा यहाँ पर इन्होंने स्क्रीन पर शंखजीत ने कुछ लगा दिया है, उसमें आपको जो नंबर्स अगर अपने इन लोगों के जो चेंज हो गए, तो पुराने नंबर्स आप लोगों के पास अगर हैं तो आप उन पुराने नंबर्स को शंखजीत इसको फुल स्क्रीन पे कर दीजिए, है ना। तो आप सर ये वर्ड फाइल में है तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हैं एंड सारे लोगों के अपडेटेड फोन नंबर, ये सारे के सारे सेल्स जो नॉर्थ ईस्ट में है, ईस्ट में है, उनके बारे में है, एज वेल एज यहाँ पर आपको सारे के सारे जो हमारे ब्रांच मैनेजर्स हैं और जो सपोर्टिंग आपको ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उन सारे लोगों के फोन नंबर दिए हुए हैं, तो आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। इसको इसको कैन यू डू इट फुल स्क्रीन सर, इट्स अ वर्ड फाइल, ये फुल स्क्रीन पे ही है, हो जाएगा। ऊपर ऊपर आप इस पे देखो, जहां पर आप एक्सपेंड करते हो, यहाँ से एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड नहीं हो रहा है। अच्छा, दिस इज द मैक्सिमम एक्सपेंडेड, ओके, मैक्सिमम एक्सपेंशन है, नो इश्यूज। तो आप लुक, आप आई वुड सजेस्ट कि जो जहां तक अभी दिख रहे हैं, पहले इनका एक पिक्चर खींच लो, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेरा जो नंबर है आप नोट कर लो, आपको किसी का भी फोन नंबर चाहिए अक्रॉस द इंडिया में, किसी का भी नंबर चाहिए, आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको उसका फोन नंबर जरूर भेज दूंगा, ताकि पूरी इंडिया में कहीं पर भी आपको सपोर्ट की जरूरत हो, आपको वो मिल जाए हमारी तरफ से। एंड व्हाट यू कैन डू शंखजीत, दैट यू कैन, ये पूरी लिस्ट जो है ना, ये वर्ड फाइल आप उस पे व्हाट्सएप ग्रुप लोगों का होगा, लीडर्स का, सर ऑलरेडी भेजा हुआ है सबको पास। वेरी गुड, वेरी गुड, बस उस पे डाल दीजिए, वहां से सबको मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोगों के साथ इतनी देर साथ में रहा, अच्छा लगा। कंपनी जो भी कर रही है आपके लिए कर रही है, आपके बेनिफिट के लिए कर रही है, होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन मिली गई है। धीमे धीमे बिजनेस ओपन होना शुरू हो गया है, जितना हम घर पे रहेंगे, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप ब्रांचेस जाएं, ब्रांच में जाकर के भीड़ लगाएं, कहीं पर भी जाएं, आप या तो पहले से अपॉइंटमेंट लेकर के किसी फिक्स टाइम पर जाएं, अगर आपको कुछ काम करना है तो आपके लिए आसान होगा और हमारे लिए भी आसान होगा, क्योंकि जैसे ही ब्रांच में भीड़ लगेगी, गम्भे पक्का पता है, गवर्नमेंट आकर के अपने ऑफिस को सील कर देगी। तो गवर्नमेंट अपने ऑफिस को सील नहीं करेगी, आप लोगों के हाथ पर डिपेंड करेगा। तो प्लीज आप लोग कोशिश करें, फोन पे ज्यादा बात करें, अपने ऑर्डर्स ऑनलाइन लगाएं, कुरियर मंगवाएं, क्योंकि कंपनी कुरियर चार्जेस वैसे भी नहीं ले रही है, 1600 का तो ऑर्डर से ज्यादा तो आप ऑर्डर लगा ही लेते हो, और 1600 ऊपर में कंपनी कुरियर चार्जेस वैसे ही नहीं ले रही है, तो आप वो कर सकते हैं। डीएलसीपी, मेरी डीएलसीपी पे भी प्रोडक्ट इफ एवरीथिंग गोज फाइन तो जल्दी पहुंचने लगेंगे, तो वहां पर अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो आपके लिए प्रोडक्ट लेना और आसान हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि हम लोग इस समय कैसे बर्ताव, कैसा बिहेव कर रहे हैं। हम किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहते कि आप लोगों की सेहत पर कोई दिक्कत आए या आप लोगों को कोई परेशानी आए, तो प्लीज स्टे होम और अपने आप को अपडेट करके और ऑनलाइन काम करिए ज्यादा से ज्यादा। राइट, विद दिस थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बट सर ने जो कहा मोस्ट इम्पोर्टेंट, घर में रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सब लोग स्वस्थ रहिए। Wish you wealth. Thank you so much. Thank you all of you.